चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आप सबके क्या हाल है। आप सभी मुझे देख और सुन पा रहे हैं? एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाइए। हाँ, गुड। So, चलते हैं सीधे फर्स्ट पहले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी स्टैनो के लिए आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं योगेंद्र सर एसएससी स्टैनो की मैराथन क्लास। ये रीजनिंग की 4 घंटे की मैराथन क्लास होगी और ये आप सभी के लिए योगेंद्र सर लेके आ रहे हैं। बहुत अल्टीमेट क्लास होने वाली है, 50 में से 50 वाली क्लास है। 12 नवंबर 1 बजे से ये क्लास, यानी कि कल 1 बजे से ये क्लास लाइव हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? हाँ, चलिए, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। सो चलते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इसका आंसर करिए। कहा गया है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। जी हाँ, मरणोपरांत नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। और कब किया गया था, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो 1961 में, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 1961 में इनको दिया गया था। अब फटाफट से बताएं कि कौन थे जिनको दिया गया था, सभी आंसर बताएंगे। तो आंसर की अगर हम यहां पर बात करें तो आंसर क्या होगा इसका, डैग हैमरसोल्ड जो है वो इसका सही जवाब होगा। डैग हैमरसोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम यहां पर बात करें तो थू थांट जो पहले एशियाई थे जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे, ये जो थू थांट आप देख रहे हैं ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जो कि क्या बने थे, ये फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट एशियन पहले एशियाई व्यक्ति थे जो कि महासचिव बने थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न। कहा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा एक शेष दस निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष में से मेल नहीं खाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द रेस्ट। एक शेष दूसरों से मैच नहीं खाता, शेष दूसरों से मैच नहीं खाता, कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। हाँ, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आफिया एसएससी एग्जाम से एग्जामपुर पर 3 बजे क्लास होती है, आप आंख बंद करके आ जाया करो, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कहीं। फटाफट से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये क्या है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात की जाती है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा जो है ये पंजाब का है, और ये क्या है, भांगड़ा जो है ये पंजाब का आपका फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब जब केरल की बात आती है तो यहाँ से मोहिनी अट्टम भी यहीं का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम भी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पंजाब की बात आती है तो पंजाब से आपको भांगड़ा याद रखना है, पंजाब में भांगड़ा जो है गिद्दा है वो भी आपको यहां से याद रखना होता है, पंजाब से गिद्दा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपका तमिलनाडु की जब बात की जाती है तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी आपको याद रखना है। तो ये आपके नृत्य है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। हाँ, ये आपका फोक डांस है, ये आपका फोक डांस है, और बाकी के सब क्या है, बाकी के क्लासिकल डांस है, ये फोक डांस है, बाकी के सब क्लासिकल डांस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड सुमेलित कटारिया, जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाने, और आपका नाम किस में आता है, जोड़े बिगाड़ने वालों में, तो फटाफट से बताओ। हाँ, गिद्दा बिहाग के समय किया जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे कि बताओ,
मैं आपको ऑप्शन दे, ऑप्शन नहीं, आप ये बताओ पंजाब में फसल कटाई के दौरान कौन सा फेमस लोक नृत्य किया जाता है? बताओ फटाफट से, फसल कटाई के दौरान कौन सा किया जाता है? कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का, जिसमें आपके मुख्य रूप से तीन घराने हैं, लेकिन चौथा घराना एक और है, जिसमें जयपुर घराना, लखनऊ घराना और तीसरा घराना आप बताओगे, ठीक? ये आपको बताना है। और कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का है। अब एक प्रश्न आपसे यहाँ भी ये भी बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कौन सा एकल शास्त्रीय नृत्य है, सोलो सोलो, हाँ भांगड़ा 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 और डिस्को भांगड़ा, लेकिन आपके यहाँ, आपके हमारे यहाँ शादी में चलता है, उधर फसल कटाई के दौरान किया जाता है, लेकिन इधर दूल्हे का जब चालान कटता है तब किया जाता है, लड़के का चालान, तो इसको भांग, इसका आंसर बताओ फटाफट से। कार कांड, कार निर्माता कंपनी, मूल देश पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, मतलब कौन सी कंपनी का जो मूल देश है वो कौन सा है? लॉडी बैसाखी, क्या बात है। अब फरारी, मर्सिडीज, मर्सिडीज कहाँ की है, फरारी कहाँ की है, टोयोटा कहाँ की है, हुंडई 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 कहाँ की है, तो बताओ फटाफट से। देखो जब हुंडई की बात की जाती है, हुंडई दक्षिण कोरिया की है, हुंडई दक्षिण कोरिया की है। टोयोटा की बात की जाए तो टोयोटा, हाँ फटाफट से बताओ, अगर हम टोयोटा की बात करें तो टोयोटा कहाँ की है, टोयोटा जापान की है, ठीक। क्या पूछ रहा है आपसे, सुमेलित हैं, सुमेलित हैं, कौन से सुमेलित हैं ये कह रहा है, बताओ। फरारी कहां की है, फरारी इटली की है, ये जितने सी वाले हैं, मैं बहुत बार तुम्हें समझा चुका हूं, आप भी आंसर कर रहे हैं, अच्छा आप बताओ अब कौन सा होगा आंसर। अब बी कहां से कर रहे हो, इसमें तो बी में तो दूसरा है ही नहीं, लेकिन मैंने तो दूसरा भी मैच कर दिया, अब बी कहां से कर दे रहे हो, पागल हो क्या? आंसर इसका डी होगा, आंसर इसका डी होगा, बेंज बेंज मर्सिडीज जो है वो जर्मनी की है, तो ये आपको याद रखना है। मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये कहां की है, ये भारत की है, ठीक है, ये भारत की है। आगे देखो अगला सवाल, बताओ महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है, महावीर पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है, फटाफट से आंसर करो, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। देखो कल की, कल का, कल किसकी मैराथन होने वाली है, कल 1 बजे से मैराथन होगी, कल 1 बजे से मैराथन होगी, और ये मैराथन किसकी होने वाली है, कल 1 बजे से, कल 1 बजे से मैराथन होने वाली है, और ये मैराथन किसकी होने वाली है, तो ये होगी योगेंद्र सर की रीजनिंग की, कल मेरी क्लास नहीं होगी, योगेंद्र सर की रीजनिंग की मैराथन होगी, आज रात में, आज रात 11 बजे, आज रात 11 बजे मेरी क्लास होगी, आज रात 11 बजे मेरी क्लास होगी, और ये क्लास आपकी लाइव टेस्ट चलेगा, 50 क्वेश्चन रहते हैं पूरे उस लाइव टेस्ट में पूरे, और उसमें करंट अफेयर्स भी रहता है, स्टैटिक साइंस सब कुछ रहता है, सब कुछ कराता हूं मैं, ठीक। तो वो आज रात को 11 बजे चलेगी, योगेंद्र सर की कल मैराथन होगी, आपने डिमांड करी थी करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की डिमांड करी थी, तो संडे को 3 बजे से विशाल सर लेके आ रहे करंट अफेयर्स की क्लास, विशाल सर लेके आ रहे करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है, अल्टीमेट क्लास होगी, तो वो भी आपको ज्वाइन करनी है। अब यहां तक आप सभी को क्लियर है, इसका आंसर बता दो फटाफट से कि महावीर पुरस्कार पूछा गया है तो आंसर क्या होगा, महावीर पुरस्कार जो है वो अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, इसके लिए दिया जाता है अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट नॉन वायलेंस, आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2019 में, 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैं भी मैराथन लेके आ जाऊं, हाँ तो ठीक, मैं भी मैराथन लेके आऊंगा, तो इसमें विजेता को दो 2,51,000 रुपए दिए जाते हैं और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है,
और इस अवार्ड को दिया कब जाता है, तो इस अवार्ड को 17 अप्रैल को दिया जाता है महावीर जयंती पर, 17 अप्रैल महावीर जयंती पर जो है वो इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। आगे देखो अगला प्रश्न, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का पीछे पास्त्र है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड टू एयर मिसाइल, फटाफट से आंसर करो, और सेशन को लाइक शेयर भी करना है यार, सेशन को सबने लाइक शेयर करना है। कौन कौन चाहता है मैराथन मैं लेके आऊं, 12 घंटे वाली मैराथन, मार खाओगे। कौन कौन चाहता है कि, हाँ नायरा, मेरे कमेंट्स तो आप देखोगे नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सबके कमेंट्स देख रहा हूं, ठीक। तो मैराथन कौन चाहता है कि मैं मैराथन लेके आऊं आप सभी के लिए, फटाफट से बताओ। तो इसका आंसर बताओ, आपसे कह रहा है कि बताइए जो जमीन से हवा में मार करती है वो मिसाइल पूछी गई है, कौन सी मिसाइल है। तो आंसर वहां पर आपका त्रिशूल करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, त्रिशूल विल बी द राइट आंसर, ठीक है, त्रिशूल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, चाहते हो मैराथन लेके आऊं, लेकिन तुम एक बात बताओ, कितना तुम क्लास को शेयर करते हो ये बताओ मुझे। बीच में मेरी तबीयत खराब हुई उसके बाद तुमने कोई क्लास शेयर करी मेरी, किसी को बच्चों को बताया कि हाँ रोहित सर आ गए पूरा फुल एनर्जी के साथ में, मैं रात में भी क्लास लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक। तो आज रात में क्लास होगी तुम्हारी 11 बजे। चलो फटाफट से बताओ, सेशन को लाइक शेयर करते मैराथन चाहिए मेरी क्लास बहुत उम्दा लगती है, मैं उम्दा पढ़ाता हूं। चल बहुत बहुत शानदार। सो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है बुकर प्राइज के विजेता है इस साइड में और उस साइड में उनके उपन्यास है, अब इनको क्या करना है, इनके भी जोड़े बनाने हैं, इनको भी मैच करना है इनके भी जोड़े। अब आपसे कह रहा है कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। कोई गलत हो तो गलत बताओ, अदरवाइज जोड़े ऑलरेडी बने हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपका नाम जोड़े बनाने वालों में तो आता नहीं है, बिगाड़ने में आता है। हाँ, दूसरे के देख के कहेंगे देखो कितने बुरी शक्ल वाला, लेकिन समझ। चलो हाँ फटाफट से बताओ इसका आंसर, हाँ फटाफट से, एक एक नहीं बतानी है बेटा, एक एक नहीं बतानी है, सारी की सारी बतानी है। देखो अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर आपसे पूछा जाए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, अरुंधति रॉय की। किरण देसाई की बात करेगा तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ये किरण देसाई की पुस्तक है, सही एकदम। आगे चले सलमान रुश्दी तो मिडनाइट चिल्ड्रन वो इनकी पुस्तक है, एकदम ये भी सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे वी एन नायपाल की इन अ फ्री स्टेट जो है इनके द्वारा लिखी गई है, इन अ फ्री स्टेट किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, वीएस नायपाल की। सो आंसर जो है वो आपका डी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, इज दैट क्लियर गाइज, यहां तक सभी को। आगे चलते हैं, यहां पर आप सभी को याद रखना है वीएस नायपाल को जो है 1971 में 1971 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी की बात करें तो 1981 में इनको किया गया था 1981 में। किरण देसाई की जब बात की जाती है तो किरण देसाई को 2006 में सम्मानित किया गया था, और अरुंधति रॉय की जब बात की जाती है तो इनको 2008 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। हाँ अरुंधति रॉय को 1997 में किया गया था, सॉरी 1997 में, 1997 में अरुंधति रॉय को किया गया था, ठीक है, 1997 में अरुंधति रॉय को किया गया था। अरविंद अडिगा को 2008 में किया गया, 2008 में किया गया अरविंद अडिगा को, अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा को। हाँ ये आपको याद रखना है। STPP का पूरा नाम बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STPP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STPP,
एसटीपीपी का फुल फॉर्म, हाँ ये तुम लोग बात कितनी करते हो, पढ़ भी लिया करो। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर। एसटीपीपी, जब एसटीपीपी की बात आती है तो एसटीपीपी से आपका स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं होगा, सेमी थर्मल पावर नहीं होगा, सुपर थर्मल पावर प्लांट होता है। आंसर इसका सी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी जो है वो सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर गाइस? आगे चलो, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और पिंग पोंग किस खेल का दूसरा नाम है? पिंग पोंग, पिंग पोंग जो है वो किस खेल का दूसरा नाम है? पिंग पोंग बताओ, पिंग पोंग जो है वो किस खेल का दूसरा नाम है? पिंग पोंग एक एसोसिएशन भी है, इस एसोसिएशन का गठन जो है वो 1921 में किया गया था, 1921 में। जब 1921 की बात आती ना तो यहां से इंपीरियल बैंक भी मुझे अभी जस्ट याद आ गया, इंपीरियल बैंक भी बनाया गया था तीन बैंकों को मर्ज करके। 1921 में ही इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1921 में तीन बैंक मर्ज किए गए थे, जिसमें तीन बैंक कौन से थे? बीबी मारेगी, बीबी मारेगी से मतलब क्या है यहाँ पर? बी फॉर बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, फिर आपका यहाँ पे था बैंक ऑफ बॉम्बे एंड एम फॉर बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक हुआ करते थे। बैंक ऑफ बंगाल जो है वो 1809 में स्थापित किया गया था, लेकिन इससे पहले BOC बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित किया गया था 1806 में। यहाँ पर आपका बैंक ऑफ बंगाल स्थापित किया गया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापित किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में यहाँ पर कौन सा बैंक ऑफ मद्रास स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से बी लिया गया, यहाँ से बी लिया, एम फोर मारेगी, बीबी मारेगी, पढ़ोगे नहीं तो बीबी मारेगी, मार खानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके क्या किया गया था 1921 में? 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। कौन सा बैंक बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक, एंड इसके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के बाद में इसी बैंक को एडी गोरवाला कमिटी बनाई गई थी, एडी गोरवाला कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसका नाम बदलकर 1955 में, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसके बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक जो आप देखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। पिंग पोंग पूछा गया भैया, पिंग पोंग पे आते हैं तो टेबल टेनिस करेक्ट आंसर होगा पिंग पोंग का। ठीक है, पिंग पोंग का टेबल टेनिस करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आप सभी को? यहां तक सारी चीजें वर्ल्ड बहुत बहुत शानदार। आगे देखो, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताओ किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? कौन सा राज्य है जहां पर ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस? फटाफट से बताओ, ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। वर्ल्ड बहुत बहुत शानदार, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है, धार्मिक जनगणना की गई थी 2015 में, और उसका 25 अगस्त 2015 में उसको रिलीज किया गया था, और उसमें ईसाइयों की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 2.78 करोड़ है, और भारत की कुल जनसंख्या का 2.3% है। ठीक है, और 2.78 करोड़ पूरी भारत की आबादी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा केरल में है, और केरल की जब बात की जाती है, चाहे हम यहाँ पर सेक्स रेशियो में बात करें, जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं, तो सबसे आगे केरल रहता है। हम यहाँ पर जो है, जब साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो लिटरेसी रेट भी केरल का ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर गाइस? सर इग्नोर नहीं कर रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सर नहीं मतलब मेरी प्यारी बहन, तुझे इग्नोर नहीं कर रहा हूं। ठीक, अब तुझसे गलती हो गई बिटिया, तो अब तू क्या कर सकती है? एक बार अगर एडमिट कार्ड आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अक्सर करके कहता हूं, फिर से कहूंगा एक बात को, ठीक है,
मैं अक्सर करके कहता हूँ, और फिर से मैं एक बात दो लाइनें बोलूंगा, हालांकि ये मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें बोला है या नहीं, पंजाबी में वो दो लाइनें हैं मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं बहुत ज्यादा उनसे मोटिवेट होता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, मैं खत्म, मतलब है मन करे कोने में बैठ के रोने का, तो अक्सर करके वो लाइनें बोलता हूं, जदो एक दरवाजा बंद हुंदा है ता दूसरा खुलता भी है, जदो एक दरवाजा बंद हुंदा है ता दूसरा खुलता भी है, बट लेकिन असी बंद दरवाजे वाले इन्हें अफसोस नाल वेखदे हां कि सानू खुला दरवाजा नजर ही नहीं आंदा। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम बंद दरवाजे की तरफ इतने अफसोस से देखते हैं, इतने अफसोस से देखते हैं कि खुला हुआ नजर ही नहीं आता, हमें एक कोने में जाके बैठ के रोने लग जाते हैं। अरे वो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके पास नेक्स्ट, आपका अगला एग्जाम लगा हुआ है, आपका वो हो गया, छोड़ो यार, छोड़ो, भूल जाओ, आप अपना नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है ना उसमें 100% दे दो, उसमें 100% दे दो, उसमें कोई कमी मत छोड़ना। अगर वहां आपने कमी छोड़ दी ना, फिर आप रोओगे, आपकी यही आदत हो जाएगी। ठीक, समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे, अब यहां पर हम करेक्ट आंसर की बात कर रहे थे, यहां तक समझ में आया। सेक्स रेशियो की मैंने बात करी, सबसे ज्यादा केरल का है, सबसे कम पूछा जाए तो आप आंसर बता देना 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, आगे चले, सबसे कम सेक्स रेशियो की जब बात की जाती है तो उसमें हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाता है। और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय पूछा गया है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर फटाफट से बताओ कि कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहां पर, सभी आंसर बताएंगे। फटाफट से बताओ कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है। तो जब इसके हेडक्वार्टर की बात की जाती है, लंदन जो है वो इसका सही जवाब होगा, लंदन इसका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर गाइस, आगे चलो, सी वेल डन, बहुत शानदार। नेक्स्ट आपका है, एक सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टार्टिंग कब हुई। तो ये मैं आपको, जब आपने अगर मेरी क्लासेस स्टार्टिंग में करी होंगी, मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप लोग से मैं एक बार पूछना चाहूंगा, पहली बार कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ किया गया था, वो भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इंफोसिस अवार्ड इज गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स, इंफोसिस अवार्ड जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है, इंफोसिस अवार्ड। हाँ वेल्डन, बहुत बहुत शानदार, फटाफट से आंसर बताओ इसका कि आंसर क्या होगा। इसमें $1,00,000 का इनाम दिया जाता है इंफोसिस अवार्ड में, और ये आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें आपका जीव विज्ञान आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, गणित आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और जो है आपका मानविकी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं, टू मैच हेजिनेस पुस्तक के लेखक, टू मैच हेजिनेस, फटाफट से बताओ सभी, हाँ फटाफट से बताओ सभी, और आंसर क्या होगा इसका। अब यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एलिस मुनगे जो है वो करेक्ट आंसर होगा, एलिस मुनरो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो 2013 में दिया गया था, वो भी आप याद रखिएगा, इनको 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डी जो है वो इसका सही करेक्ट आंसर होगा,
एलिस मुनगे नहीं होगा, मुनरो होगा यहाँ पर, ठीक है मुनरो। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल बताओ फटाफट से कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां पर है, फटाफट से आंसर करो सभी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां पर है, सभी सभी आंसर करो फटाफट से, और सेशन को लाइक भी करना है सबने। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय पूछा है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 यानी कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या करेंगे, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको जकार्ता याद रखना है, कहां पर, जकार्ता में हुआ था, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, महत्वपूर्ण बनेगा। और जब इसके हम पहले सम्मेलन की बात करते हैं तो पहला सम्मेलन जो है इसका बेलग्रेड में हुआ था, प्रथम सम्मेलन इसका कहां पर आयोजित किया गया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था, प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में इसका इसके प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत जो है वो संस्थापक और सदस्य प्रमुख सदस्य देशों में से आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक। और साथ ही साथ में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, एक बार फटाफट से वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, आसियान की स्थापना कब की गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, आसियान के सदस्य देश आप बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी 1967 में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे आसियान आ गया तो आसियान भी बता दो। अगला प्रश्न देखो और बताओ फटाफट से कि निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया, जिसने यूरो को स्वीकार नहीं किया, फटाफट से बताओ कि किसके द्वारा यूरो को स्वीकार नहीं किया गया, फटाफट से आंसर करो सभी लोग। अजी फटाफट वेल डन, 10 देश, क्या बात है, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। इसका आंसर बता दो बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इसका स्वीडन होगा। ए नलायको इतनी जोर जोर से सीसी सीसी कर रहे हो तो मैं पता भी है सीसी करने से क्या होता है, देखे रहना कहीं बच्चा नहीं बैठा हो पास में। स्वीडन करेक्ट आंसर होगा इसका, स्वीडन 19 देशों की मुद्रा जो है वो यूरो है, 19 देशों की मुद्रा यूरो है, है ना, सी सी हाँ चलो डिस्टर्ब, ठीक है यहां तक क्लियर है आप सभी को। चलो आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा सही है क्या है, तुम लोग हंसते बहुत हो यार। चल आगे देखो कथनों पर विचार कीजिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, भारत में पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट इंडो वर्मा एवं सुंडलैंड हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है या नहीं है, मतलब एक कोई एक सही है गलत है क्या है, हाँ वेल डन फटाफट से बताओ, बहुत बहुत शानदार। देखो एक चीज तुम्हें बता दूं मैं, है ना, मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, जो क्लास को लाइक नहीं करता है ना वो कौन होता है तुम बताओगे, जो क्लास को लाइक नहीं करता है वो कौन होता है, ये हमारे एडिटर भाई साहब यहां बैठे हुए हैं तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, जो क्लास को लाइक नहीं करता है वो कौन होता है बताओगे, जो बच्चे बता रहे सी। तुम लोग बताओ तो, जो क्लास को लाइक नहीं करता वो कौन होता है, अभी अभी ये हाँ कौन होता है, नहीं नीचे नीचे कमेंट आए, बताओ फटाफट से कौन होता है, नालायक होता है, हाँ
स्मार्ट होते हैं, लिख रहे हैं। स्मार्ट नहीं होता है, मान लगाऊंगा जो जो लाइक नहीं करेगा वो नालायक होगा ना, वो और स्मार्ट होता है। जो क्लास को लाइक नहीं करता है वो नालायक होता है। चलो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर एक और दो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। धोखेबाज तो तुम ऐसे लिख रहे हो जैसे बहुत बड़ा धोखा खा के आए हो तुम। टेक्निकल विश्वजीत भाई लिख रहा है धोखेबाज। बेटा धोखेबाज मतलब तेरे अंदर की फीलिंग समझ सकता हूं मैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ तेरे अंदर की फीलिंग, इतना तो मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ। चलो इसका आंसर बताओ तो फटाफट से लाइक कर दो। बच्चे यहाँ पर 150 के करीब हैं, बट लाइक 100 भी नहीं है, तो जितने भी बच्चे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी। आपसे पूछ रहा है व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हाँ फटाफट से बताओ। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, जब भी कोई दिवस की बात आती है, तो वो दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसके रीजन, उसके कई एक रीजन होते हैं। जैसे अगर मैं एड्स डे की बात करूं तो यहाँ पर ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जा सके और उससे जो मतलब उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो आप फॉलो करें, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। और पहली बार ये डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1988 में पहली बार किया गया था। कब किया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। हाँ अब एक सवाल मेरा आपसे है कि बताओ 14 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। तुम्हारे अंदर का मतलब राक्षस जग गया होगा कि सर ने 14 फरवरी पूछ लिया, भाई साहब मैं तो इसका इंतजार कर रहा था, नहीं पूछे तब भी बता दो। बताओ 14 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है। हाँ देखो कमेंट आने लगे 14 फरवरी। हाँ ये देखो, हाँ तो ये समझ आ रहा है तुम्हारा। हाँ मैं क्यूट हूं उसमें क्या, नो डाउट क्यूट सर। चल तो जब 14 फरवरी की बात आती है, हाँ देखो, हाँ ये जितने भी हैं आगे 8 मार्च की जब हम बात करते हैं तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे, क्लियर। हाँ चलो आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह का नहीं है, मतलब जो इस समूह का नहीं है। रुक्मणी अडेल, सानिया मिर्जा, मृणालिनी साराभाई, बिरजू महाराज। आप बाकी नामों से समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन आप बिरजू महाराज से जरूर समझते हैं कि ये क्या है, ये कथक नृतक है, ये कथक नृतक हैं, ये कथक से संबंधित है, ये कथक डांसर है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मृणालिनी साराभाई जो है ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भरतनाट्यम की नर्तिका है। जब बात की जाती है सानिया मिर्जा की, तो सानिया मिर्जा क्या है आप सभी को पता है कि सानिया मिर्जा की जब बात की जाए तो महिला टेनिस प्लेयर है। तो ये तो गलत, ये तो अलग हो गया भाई। इन दो ऑप्शन में आपको डांसर ही दिख रहे हैं। रुक्मणी अडेल की बात जब की जाती है कि रुक्मणी अडेल जो है वो किससे संबंधित है, तो ये डांसर है। रुक्मणी अडेल जो है ये डांसर है। ठीक है, चल आगे देखो, अगला प्रश्न बताओ, बताओ इसका आंसर, इसका आंसर करो कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं, महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी। हाँ फटाफट से बताओ सर, सभी 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 आंसर करो, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी आंसर करेंगे।
सानिया मिर्जा दूल्हा खोज ली पाकिस्तानी। सम्राट तुम क्या चाहते थे? तुम्हारे अंदर तो वो, हाँ वो खिलाड़ी भी नहीं है तुम इतने, आप समझ, ये क्यों हंस रहा है मुझे ये समझ नहीं आता। ये मेरी क्लास में जितने भी एडिटर बैठते हैं ना, ये तुम्हारे एडिटर सर जो है ना, ये हंसते रहते हैं, कहते हैं सर आप पता नहीं इतना क्यों हंसाते हो। मैं ऐसा, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ यार, सीरियस हो गया, पता नहीं क्यों हंसते हैं। महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है तो आपको यहाँ से कोनेरू हम्पी याद रखनी है। कोनेरू हम्पी ये महिला स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है, ये महिला शतरंज खिलाड़ी है, ये भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी, ठीक है। बाकी सभी स्क्वैश खिलाड़ी, बाकी सभी स्क्वैश खिलाड़ी, ठीक है। चल यहां तक क्लियर है, बहुत बहुत शानदार। आगे आगे चलो, अगला प्रश्न, अगला सवाल बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था। ओहो ओहो, बताओ फटाफट से, किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा जेल की दीवारों पर कमला लिखा गया था? कमला, तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, आंसर वी डी सावरकर होगा। देखो जब वी डी सावरकर की बात आती है तो वी डी सावरकर जी को अंग्रेजों के द्वारा अंडमान निकोबार पर काला पानी की सजा सुनाई गई थी, काला पानी की सजा दी गई थी। साथ ही साथ में ये भी याद रखना है कि वी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत, वी डी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत, अभिनव भारत की शुरुआत की थी। अभिनव भारत जो है क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में आपके लिए इनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये 1857 में पुस्तक जो है सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये 1857 में इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जब बात मदन मोहन मालवीय जी की जाती है, 1916 में इनके द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की गई थी, आप याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? इनमें से कोई एक है जिसको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, किसको नहीं किया गया है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कि किसको नहीं किया गया है, और किया जिसको किया गया है तो उसको कब किया गया है, जिसको किया गया है तो उसको कब किया गया है, फटाफट से आंसर बताओ। वर्णन, अब देखो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, विश्वनाथ आनंद जी की बात की जाए तो इनको पद्म विभूषण से 2000, विश्वनाथ आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, इनको पद्म विभूषण से 2007 में सम्मानित किया गया था, 2007 में, ठीक है, 2007 में। एडमंड हिलेरी की जब बात की जाती है तो एडमंड हिलेरी को पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को 2008 में किया गया था, ठीक है, 2008 में किया गया था, और सुनील गावस्कर को 1980 में किया गया था, 1980 में। आंसर इसका बी हो जाएगा, सुनील गावस्कर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से किया गया था,
पद्म विभूषण से नहीं किया गया, पद्म भूषण से किया गया। ठीक है, आंसर इसका डी होगा, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, हाँ और सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे देखो, इंटरनेशनल मनिल मलिन अवार्ड से सम्मानित कथन है। फटाफट से आंसर बताओ सभी। फटाफट से बताओ इसका आंसर। फटाफट से बताओ इसका आंसर। इंटरनेशनल महिला अवार्ड से संबंधित कथन है। यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, क्या यह सही है? या फिर इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो इस पुरस्कार की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत जो है वो 1968 से है। ठीक है, 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। आंसर इसका सी होगा, मतलब दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, दोनों सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो और बताओ फटाफट से कि सुमेलित करना है आप सभी को, सुमेलित करना है। आज रात में 11 बजे आप सभी के लिए एक लाइव टेस्ट होगा, वो आप सभी को ज्वाइन करना है, वो आप सभी को ज्वाइन करना है। आप सभी उसको ज्वाइन करेंगे। देखिए, जब तक आप क्लास को प्यार नहीं देंगे, है ना, जब तक आप क्लास को लाइक शेयर दिल खोल के नहीं करेंगे तो मैराथन में नहीं लेके आऊंगा। मैराथन अगर मेरी चाहते हो तो बढ़िया तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना आप उसको क्लास को लाइक शेयर करो। ठीक, तो यहां पर आपको अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सुमेलित करना है कैलाशनाथ कौल, श्री रामशंकर अभ्यंकर, जगमोहन लाल राजदान और विजय पी भटकर निर्माता। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए सुमेल है, कौन सा सुमेल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित है, मतलब सब सही है, सब सही है। कैलाशनाथ कौल की बात की जाए तो वनस्पति शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं अभ्यंकर जी। ठीक है, जगमोहन लाल राजदान की बात की जाए तो रेडियोलॉजिस्ट हैं। चलो, आंसर इसका ए होगा, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइव टेस्ट रात 11 बजे होगा। पचास क्वेश्चंस का, पचास क्वेश्चंस का, हाँ 24 घंटे की मैराथन लेके आइए, 24 घंटे तक तुम बैठो तो हम मैराथन भी ले आएंगे। चल बताओ इसका आंसर। दो घंटे बैठने में तो तुम्हारी हिम्मत खराब होने लगती है, पढ़ा नहीं जाता है, दम निकलने लगती है, इनको 24 घंटे मैराथन चाहिए। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर। वनस्पति शास्त्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो।
अगर वनस्पति शास्त्र के अध्ययन की बात की जाए कि बताओ वनस्पति शास्त्र के वनस्पति शास्त्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र के अध्ययन को। हाँ तो अब यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बता दो एक बार कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो स्थायी सदस्य ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इसका स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। हाँ बॉटनी कहा जाता है, बॉटनी। चलो सुमेलित करना है, फटाफट से आंसर बताओ कि कौन सुमेलित है, सूची एक सूची दो, आंसर क्या हो जाएगा इसका। हाँ फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें कि कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो प्राइस ऑफ पार्टीशन, प्राइस ऑफ पार्टीशन, ये रफीक जकारिया, ये तो सही है, ये सही है। यूलिसिस जेम्स जॉयस, ये भी सही है। नीतीश गुप्ता सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो प्लीज, क्या करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर का। चल ठीक, इसके अलावा अगर यूलिसिस की बात की गई, यहाँ पर इंडिया 2020 की बात की जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी सही है। लेकिन पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एसएस गिल दे रहा है, क्या ये सही है। हाँ इनमें से आपसे पूछा है सुमेलित है, तो ए बी सी डी 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 डी, ए बी सी डी होगा, यहाँ पर सभी सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, सिम्बेक्स से क्या तात्पर्य है, सिम्बेक्स क्या है, सिम्बेक्स क्या है। हाँ फटाफट से बताओ, आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब यहां पर अगर हम सिम्बेक्स की बात करें तो आंसर बी होगा इसका, सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। सिम्बेक्स अभ्यास जो है 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये अभ्यास जो है वो सिंगापुर इंडिया मतलब आप ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और जिमेक्स जो होता है वो भारत और जापान के बीच में होता है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, जिमेक्स भी होता है, एक जिमेक्स भी होता है वो भारत और जापान के बीच में होता है, और सिम्बेक्स की जब बात की जाती है तो सिम्बेक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में। हाँ क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी 1994 में, 1994 में, 1994 में। आगे देखो अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, फटाफट से बताओ, इन विच ईयर इसरो वॉज एस्टेब्लाइज, फटाफट से आंसर बताओ और इसका हेडक्वार्टर भी बता देना,
इसका हेडक्वार्टर भी बता देना फटाफट से आप सभी, कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर क्या है। हाँ सभी सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा। तो जब इसरो की बात की जाती है 15 अगस्त 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो बैंगलोर में है। कहां पर है? बैंगलोर कर्नाटक में है। क्लियर है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? एक सवाल और है मेरा आपसे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से सभी। में। अगला प्रश्न देखो और बताओ धामन कहां कहां का नृत्य है। धामन, धामन कहां का नृत्य है? ठीक है अभी एक मिनट, ये अभी तुम लोग को बार बार बता चुका हूं मैं, ये जो है ना योगेंद्र सर, इनको ना इनको ट्रस्ट नहीं होता कि मैंने बताया या नहीं बताया। ठीक, तो मैराथन क्लास ये देखो, रात में 11 बजे मेरा लाइव टेस्ट होगा, योगेंद्र सर का मैराथन क्लास होगा 1 बजे से कल, संडे को 3 बजे विशाल सर की क्लास होगी। ठीक, इनको इनको प्रूफ दिखा रहा हूं मैं, और ये एसएससी स्टेनो का मैराथन। ठीक, ये पूरा मैंने तुम लोग को बताया था या नहीं बताया था? पूरा बताया ना कि सर मैराथन लेके आ रहे हैं तो तुम सबको ज्वाइन करना है। वो कह रहा है हाँ, सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ था, वेल डन। तो मैं वही क्वेश्चन कराता भी हूँ बेटा, वही क्वेश्चन कराता भी हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया ना सर? चलिए कुछ खाने का इंतजाम करिए, भूख लग रही है, तब तक लगवाइए। चलो, धामन कहाँ का नृत्य है ये पूछा गया है, धामन कहाँ का है फटाफट से बताओ। तो जब धामन की बात की जाती है तो धामन आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। धामन आपको याद रखना है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है, छम हिमाचल प्रदेश का है, बुरहा करियाल, नाटी आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। देखो जब उड़ीसा की बात की जाएगी तो उड़ीसा से छऊ और जात्रा याद रखना है, छऊ जात्रा। ठीक है, जब बात की जाती है दिल्ली की, दिल्ली का कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड आप लिख लो, कुमाऊं, 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 ठीक, कुमाऊं आपको याद रखना है उत्तराखंड से। झूला, झूरा, चौफला, झूरा, झूला, चौफला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः कौन शामिल है? अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः कौन शामिल है, सामान्यतः कौन शामिल है, फटाफट से आंसर बताओ सभी लोग। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका, आज रात 11 बजे आप सभी को ज्वाइन करना है, 11 बजे सभी लाइव आएंगे, सबने ज्वाइन करना है रात में 11 बजे। हाँ, जो लाइव टेस्ट होगा
आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये होगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान भी है। ठीक है चलो, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड पूछा गया आपसे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछा जा रहा है। वर्ल्ड वर्ड नहीं होगा यहां पर, वर्ल्ड होगा। वर्ल्ड कब मनाया जाता है? 14 जून को। 14 जून को, ठीक है ठीक है। हाँ आगे चले तो आगे आपका यहां से ये पूछा जा सकता है कि बताइए 12 जून को कौन सा बनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 12 जून को मनाया जाता है। 15 जून को कौन सा डे, 5 जून को कौन सा मनाते हो? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला सवाल है, घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक पूछे हैं। घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो आंसर की बात करें यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जो है वो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। आगे बताओ फटाफट से, मैटूर परियोजना किस नदी पर है? मैटूर परियोजना किस नदी पर है? एक काम करिएगा आप सभी, इसका आंसर जो है ना वो ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना, ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना आप सभी। ठीक है, आज के सेशन को फिर इसी के साथ में एंड करेंगे। हाँ, इसका आंसर आप सभी ऑफलाइन में कमेंट करके बताएंगे, और रात को 11 बजे आप सभी ने लाइव आना है। रात को 11 बजे लाइव टेस्ट होगा, मेरी क्लास होगी, मैं ही लाइव टेस्ट लूंगा। कंप्लीट 50 क्वेश्चन हम उसमें करते हैं, और बहुत ही मतलब करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पूरा पेपर होगा, पेपर से पहले पेपर एक तरीके से वही होगा। रात में 11 बजे हर हाल में ज्वाइन करना है आपको। जितने भी लाइव देख रहे हो ना, आंख बंद करके रात को 11 बजे आ जाना। ठीक है, इसका आंसर ऑफलाइन में कमेंट करके बताना, और रात 11 बजे सभी आ जाना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।